नाउ इज इट नोमेनक्लेचर। अगर एल्कीन से जुड़े एल्कीन के दोनों कार्बन पर जुड़े सभी चारों ग्रुप डिफरेंट हों तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस से न रिप्रेजेंट करके ई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कंपाउंड लिया कि दिस इज सी डबल बॉन्ड सी, दिस इज सी एस थ्री, दिस इज एच, दिस इज बी आर एंड दिस इज सी एल। अब आप इसमें सिस और ट्रांस वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट है और एल्कीन में दो कार्बन है, दो कार्बन से हर कार्बन से दो और ग्रुप जुड़े हुए हैं। जैसे इस कार्बन से बी आर और सी एल जुड़ा है तो एल्कीन के हर कार्बन पर जो दो ग्रुप जुड़े हैं उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं आर एस कन्फिग्रेशन वाले रूल से। उस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी जिसमें पहले एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। अब ब्रोमीन और क्लोरीन में ब्रोमीन की प्रायोरिटी ज्यादा है, ये 1 और ये 2। उसी तरह सी एस थ्री और एच में सी एस थ्री की प्रायोरिटी ज्यादा है, ये 1 और ये 2। अगर एल्कीन में दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े दो हायर प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड में है तो उसको जेड आइसोमर बोलेंगे, नाउ दिस इज जेड आइसोमर। और अगर दो हायर प्रायोरिटी के ग्रुप अपोजिट साइड में है तो उसको हम ई आइसोमर बोलेंगे। सपोज जैसे कंपाउंड है दिस इज सी डबल बॉन्ड सी, दिस इज सी एस थ्री, दिस इज सी एल, दिस इज ओ एच एंड दिस डी। अब आप देखिए ओ और डी में ओ का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो इसकी प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी 2। सी और सी एल में सी एल का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो इसकी प्रायोरिटी 1 इसकी प्रायोरिटी 2। दो हायर प्रायोरिटी के ग्रुप अपोजिट साइड तो इसको ई बोलेंगे। जेड जनरली दो हायर प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड तो उसको सिस आइसोमर से कोरिलेट आप कर सकते हैं और जो ई है उसको आप ट्रांस आइसोमर से कोरिलेट कर सकते हैं। अब जैसे एक कंपाउंड ऐसे दे दिया गया कि दिस इज सी डबल बॉन्ड सी, दिस इज सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, दिस इज सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, दिस इज सी ट्रिपल बॉन्ड एन एंड दिस इज सी एच डबल बॉन्ड एन एच, ऐसे हो गए। तो आप देखें कि इसमें अगर सारे एटम सेम हैं तो ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है, नाउ इसकी प्रायोरिटी 1 इसकी प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी 1 इसकी प्रायोरिटी 2। दो हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड, ये जेड आइसोमर हो गया। ऐसे मैं एक कंपाउंड ये ले लूं, दिस इज ओ एच एंड दिस इज सी एच टू एच, दिस इज सी ओ एच, क्या मैं इसको सी एच ओ कर दूं एंड दिस वन इज सी ओ एच। तो एक कार्बन से जो दो ग्रुप जुड़े हैं पहले हम उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। अब यहां भी सी यू है, यहां भी सी यू है, बट यहाँ ओ एच है तो इसकी प्रायोरिटी 1 इसकी प्रायोरिटी 2। ओ और सी में ओ का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो इसकी प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी 2। दो हायर प्रायोरिटी के ग्रुप अपोजिट साइड में तो इसको हम बोल देंगे ई आइसोमर। तो इस तरह से हमें पता लगा लेंगे कि ई है आइसोमर और जेड आइसोमर हम कहां पर यूज करेंगे ई एंड जेड नोमेनक्लेचर। तो अगर एल्कीन से जुड़े सभी चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो हम वहां पर ईजेड नोमेनक्लेचर यूज करेंगे। जेड का मतलब सिस आइसोमर से होता है और ई का मतलब ट्रांस आइसोमर से होता है। अब अगर एक कंपाउंड ऐसा दिया गया है, सपोज एक कंपाउंड ये और एक कंपाउंड ऐसे दिया जाए ऐसे और एक कंपाउंड इस तरीके से दे दिया जाए, आपसे बोला जाए कि इन तीनों के नाम क्या होंगे तो अगर आप इन तीनों के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे, नाउ दिस इज 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, दिस इज अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो दोनों का नाम, अब इसका भी तीनों का नाम, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तीनों का नाम होगा 2, 4, 6 ऑक्टाट्राइन। डबल बॉन्ड 2, 4 और 6 पे है तो 2, 4, 6 ऑक्टाट्राइन,
बट आप देखें कि तीनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो तीनों के नेम में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। पर अगर मैं जनरली चलूं तो तीनों का नाम सेम आएगा, 2, 4, 6 आफ्टर ट्राई। तीनों के नाम को डिफरेंशिएट करना है आपने को, तो वहां पर अब हम ईजेड नॉमेनक्लेचर यूज करेंगे। आप देखिए इसका ये जो हाइड्रोजन है वो यहां पर है, इसका भी हाइड्रोजन यहां पर है, यहां हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, वैसे होगी। अब 2, 4 और 6 दोनों में देखिए हाइड्रोजन सेम साइड है, तो ये 2 वाला जेड है, 4 भी जेड है, 6 भी जेड है, यानी एक तरह से सिस आइसोमर था सब। तो नाउ दिस इज 2Z, 4Z, 6Z ऑक्टा ट्राई, वैसे होगी। यहां पर देखिए हाइड्रोजन इधर नीचे की तरफ है, इसका हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, यहां पर ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। यहां पर सारे हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसफॉर्म में है, तो इसका नाम हो गया 2E, 4E, 6E, दिस इज ऑक्टा ट्राई, वैसे। और यहां पर आप देखें ये 2 पर एच सेम साइड है, यहां पर एच अपोजिट साइड है, और यहां सेम साइड है। अब आप देखिए 2 का कॉन्फ़िगरेशन जेड है, 4E है और 6Z है, तो 2Z, 4E, 6Z ऑक्टा ट्राई, वैसे हो। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर। सो दिस इज अबाउट ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर।